देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया बैठक का आयोजन। बैठक के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आगामी समय में होने जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्ञान प्रतियोगिता में दिए जाने वाले इनाम की घोषणा करना था। आपको बता दें कि इससे पूर्व जब बैठक रखी गई थी तब इस प्रतियोगिता की दिनांक के बारे में सबको बता दिया गया था, जबकि प्रतियोगिता में दिए जाने वाले पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी। आपको बता दें कि उक्त ज्ञान प्रतियोगिता 40 देशों में एक साथ संपन्न की जा रही है। वहीं इस प्रतियोगिता का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया जाएगा। ये बैठक हमारे जो प्रदेश का कार्यक्रम है मेरे दीनदयाल, जो अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जिसको कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मध्य प्रदेश हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के 40 देश सहभागिता निभा रहे हैं, यह प्रतियोगिता गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी। इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की तैयारी में हमारे जिले के सभी 11 ही मंडलों के मंडल अध्यक्ष एवं सभी जिला पदाधिकारी उपस्थित हैं। इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में हम लोग 1,00,000 रुपए तक के पुरस्कार रखेंगे, जो कि हमने प्रेस वार्ता में बताया था कि हम जल्द ही बताएंगे कि हम पुरस्कार किस प्रकार के रखेंगे। तो हम लोगों भारतीय अंतर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने और हमारे वरिष्ठों ने जो तय किया है वो ये है कि हम सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में 1,00,000 रुपए तक के पुरस्कार देंगे और 10 रुपए की पंजीयन रसीद कटेगी। वो पंजीयन रसीद निःशुल्क है, मतलब 10 रुपए पुस्तक जो है वो 20 रुपए की है, लेकिन हम उसको 10 रुपए में देंगे। ऐसा ये बैठक का जो रूप है। और एक और जो हमारा सदस्य संगठनात्मक चल रहा है, 11 सदस्यीय पंचायत स्तर तक टीम बनेगी, वो अभी तक मंडल स्तर तक की कार्यकारिणी बनती थी युवा मोर्चा में, अब सभी पंचायतों में 11 स्तरीय टीम बनेगी, उसमें एक संयोजक, एक मीडिया प्रभारी, बाकी सदस्य रहेंगे। इस प्रकार से बाकी सामान्य ज्ञान मेरे दीनदयाल को गुना नगर में, गुना के सभी मंडलों में अच्छे प्रकार से तैयारी के लिए हम ये बैठक रखी गई है। चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आज स्थानीय गल्ला मंडी में चोरों ने एक दुकान के ताले चटकाए। दुकानदार को अभी यह नहीं पता कि उसकी दुकान में क्या क्या गया है, बस उसे केवल याद है तो रेजगारी जो दुकान में रखी थी। आपको बता दें कि प्रतीक की दुकान गल्ला मंडी में है जहां वह किराना बेचता है। वहीं रात को उसने 11 बजे दुकान बंद की थी, तब कोई नुकसान नहीं था। इस हिसाब से यह लगता है कि तकरीबन रात 2 से लेकर 4 बजे के बीच में इस चोरी को अंजाम दिया गया है। प्रतीक के हिसाब से लगभग 7,000 रुपए की रेजगारी चोर ले गए हैं। अब देखते हैं कि पुलिस इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाती है। पर यार मेरे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये पट्टी अपनी इतनी सिक्योर है तो हुआ क्या? सुबह सुबह खुद का घुमाने ले गया, तब देखा इतनी इतनी शटर खुली गई मैंने कि कहीं को लगा था दाव, और आपने क्या काउंटर वाले हाथ में लाऊंगा रात में दुकान के ताले लगा के गया, सुबह अपने कुत्ते को घुमाने ले गया, तब देखा दुकान के ताले टूटे हुए थे और शटर उठी हुई थी। जब जाके अपनी द्रोहियों को संभाला तो इसमें से पूरी से लग गायब थी। करीबन कितने रुपए होंगे? रेजगी समेत 7,000 से 8,000 रुपए होंगे, सब गायब। और कुछ सामान भी है? सामान भाई सब किराने की दुकान है तो अब मालूम चलती नहीं है, अब कुछ छोटा मोटा उठा के भी लेके गए हूँ, नहीं भी लेके गए हूँ भाई साहब। रात में 8 बजे मैं मंगल करके गया हूँ, अब उसके बाद 11 बजे मैं वापस बाजार से आया हूँ, तब तक तो अपनी दुकान के ताले व्यवस्थित थे, उसके बाद अब पता नहीं सोने के बाद। गल्ला मंडी में इन दिनों किसानों को मिल रही है खाद। किसानों को सिर्फ आधार कार्ड दिखाने पर ही मिल रही है खाद। वहीं आज तकरीबन 6 ट्रक यूरिया आया, मतलब 1,800 बोरियां जो किसानों को वितरित कर दी गईं।
लाइन तो लगेगी यार, अब तुम्हारे बजे बैठे जब क्या कर रहा है। अरे हाँ नहीं, लाइन खत्म छः ट्रक आए थे जिसमें से बंदा छियासी पर्ची काट दी है और एक भी अपने पास खत्ता बचा नहीं है। उनका एक 15 टन का एक ट्रक आता है जिसमें कि एक ट्रक में 300 बोरे हैं, तो 6 × 1800 आपका बैग हुए हैं, तो 1800 बैग की पर्ची। 100 टन माल आना है अपना, कल से आ रहा है। आधार कार्ड पे दे रहे हैं, 5 बैग देते हैं अपने। जैसे किसान होते हैं उस हिसाब से अपन बिकते हैं। कम है तो अपन ज़्यादा दे देते हैं, अगर ज़्यादा है तो फिर 2 भी कर देते हैं 5। किसानों को अपनी फसल ऑनलाइन बेचने का मौका भी मिला है। इन दिनों ऑनलाइन बेटिंग की शुरुआत गुना गल्ले मंडी में हो रही है, जिसके तहत किसानों को अपनी फसल का सैंपल गल्ला मंडी में बताना होगा, जहां उसका लैब टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद उसकी गुणवत्ता ऑनलाइन वेबसाइट पर दिखा दी जाएगी, जिससे व्यापारी उस फसल को अच्छा भाव लगा सके। पुराने तरीके से जब व्यापारी फसल खरीदता था तो कुछ भी रेट लगाकर किसानों से फसल ले लिया करता था, अब ये नहीं हो पाएगा। इससे किसानों को फायदा भी मिलेगा। अभी जी एरर बताई क्योंकि मैंने पूरा प्रेशर दिया नहीं है। ये इसके लिए अपन पहले जो सुबह डाक होती है 10 बजे, तो सारी टोनियाँ लग जाती हैं, उसके लिए जाके सैंपलिंग की जाती है और डेटा एंट्री उनकी पूरा बायोडाटा उसमें फिट किया जाता है सॉफ्टवेयर में, किस गाँव से है, क्या नाम है, क्या मोबाइल नंबर, क्या फादर, क्या गाँव, किस व्यापारी ने खरीदी है, किस रेट पर, ये सारी चीज़ें उसमें सेट की जाती है सॉफ्टवेयर में। उसके बाद जो सैंपल वहाँ से कलेक्ट करके लाया जाता है, उसका यहाँ मॉइस्चर निकाला जाता है, अदर रिलेटिविटी डैमेज ग्रेन्स टूटे हुए दाने, और उसमें जो 7 तरीके ही इस तरीके के पैरामीटर है, जिसमें फॉरेन मेटर, अदर रिलेबल डैमेज ग्रेन्स, बेबी यूनिफॉर्म लस्टर, चमक वगैरह, ये सब उसमें देखी जाती है। उसके बाद ये एक सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है और इसे सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर दिया जाता है, जिससे व्यापारी उसको देखता है कि उसकी फसल की क्या क्वालिटी उसको दिखता है, और उस हिसाब से वो रेट तय करता है ऑनलाइन बेटिंग। तो फायदा मिलेगा इससे, और उसको जो अभी जो भाव है उसको कुछ बढ़ के ही मिलेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी देखेगी व्यापारी। अभी क्या वो अपने हाथ से निकाला और निकाल के देगा, कुछ भी लगा दिया वो, और जब ऑनलाइन होगा तो सभी जगह के व्यापारी देखेंगे, ना कि सिर्फ बना के व्यापार किए। गुना में आर्मी भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए 3 संभागों से 13 जिलों के प्रतिभागी इस रैली में भाग लेंगे। आर्मी भर्ती रैली के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आवेदकों को पहले ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद एडमिट कार्ड मिल सकेगा। इस अभियान में 500 से लेकर 600 प्रतिभागियों को आर्मी में ज्वाइन कराया जाएगा। आपके तो मुश्किल से आते हैं, 1000 के करीब जाएंगे, 1000 नहीं आपके कराएंगे, अभी आ गए हैं। हमारे तो भोपाल से बात चली थी सीधे, इस बार तो मैंने किसी डिस्ट्रिक्ट से नहीं बात की, उन्होंने बोला कि आई जी ग्वालियर से बात क्या हुआ है। अपन ने सागर वाले हम यहाँ आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस ग्वालियर से आए हैं, और गुना में जनवरी 8 से लेके 22 तारीख जनवरी तक 15 दिन करीब हम आर्मी की भर्ती रैलियाँ करेंगे, जिसमें कि ग्वालियर, चंबल और सागर 3 संभाग के 13 जिले इनकी भर्ती रैली कैंडिडेट्स की यहाँ पर होगी, और आर्मी के लिए और रजिस्ट्रेशन इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक खुला है 1 महीने के लिए। 31 दिसंबर को जो कैंडिडेट जो रजिस्टर हो रखे हैं उनका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएंगे, तो उनको डेट मिल जाएगी किस डेट में उन्होंने आना है, और 8 तारीख से यहाँ पर भर्ती शुरू, 8 जनवरी 2018 से। ये कितने संभाग हैं? 3 संभाग हैं, ग्वालियर, चंबल और सागर, 13 जिले हैं, 5 ग्वालियर के, 5 सागर के, और 3 जो हैं वो चंबल संभाग। कितनी वैकेंसी के लिए
वैकेंसी तकरीबन 500 से 600 की करीब। कितने कैंडिडेट की आने की? पिछले साल जो हुआ था उसमें करीब 74,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे और इस बार देखते हैं, रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है अभी, 30 तारीख को ख़त्म होगा तब पता चलेगा कितना। अब तक कितने हुए? अभी आज तक जो है 25,000 हो चुके हैं। चौदह तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान करने पहुंचेंगी प्रदेश से महिलाएं। इस बारे में भाजपा के जिला अध्यक्ष राधेश्याम पारिक ने डीजियाना को बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो एक अनूठा बिल पास करने के लिए दिया गया है, जिसके तहत 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ यदि कोई दुराचार करता है तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस बिल के बाद महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है, जिसके चलते सभी महिलाएं इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान करेंगी। जितनी आपके पदाधिकारी है उनमें से भी उनके पास साधन होंगे, वो सब मिला करके संख्या आप एजेंट होने से कि हम इतनी बहने अपने साधनों से, ये बात आप भूल जाओ कि आम आदमी की बहनों को कह देंगे, वो मजा के पहुंच जाएंगी, वो भीड़ हो जाएगी और अपने को कोई पूछेगा ही नहीं कि आप कितने लोग गए नहीं गए। अब की बार ऐसा होने वाला नहीं, अब हम मैदान में जाने वाले हैं, इसलिए हर कार्यक्रम को पार्टी संगठन स्तर पर हमको पूरा करना पड़ेगा। आप अपने जिले के जो पदाधिकारी हैं, कौन कौन है यहाँ से जिले की पदाधिकारी, गुना से खड़े हो, जिले की पदाधिकारी एक आप दो और आपके क्या दायित्व? बमोरी विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने किया 80 लाख की नल जल योजना का शुभारंभ। आपको बता दें कि झागर में कई वर्षों से पानी की समस्या बनी रहती थी, जिसके चलते बमोरी विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने 80 लाख रुपए की नल जल योजना का शिलान्यास किया, जिसके बाद उन्होंने आशा जताई कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कोई भी कमी नहीं होगी। समस्या यहाँ निरंतर बनी रहती है, तो 80 लाख रुपए की योजना हमने स्वीकृत कराई और कराने के बाद आज उसका भूमि पूजन भी किया है और इस योजना में 3 बड़े ट्यूबवेल खुदेंगे और बड़ी पानी की टंकी बनेगी जिसकी पाइपलाइन डलेगी और पाइपलाइन डलकर टोंटियों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक किसान को यह पानी उपलब्ध हो सकेगा। हमारे भाइयों ने कहा कि जब तक नल योजना बनेगी तब तक पानी की व्यवस्था कराई जाए, तो मैंने एक मोटर सिंगल फेज की वो जो ट्यूबवेल अपना लगा है जो चालू अवस्था में है उसमें वो ट्यूबवेल में अपन मोटर लगवा देंगे और क्योंकि हमारी मुख्य सड़क का गाँव है इसका विकास निरंतर जारी रहना चाहिए। सेक्रेटरी साहब आप भी जरा तत्परता से, मेरे पास शिकायत नहीं आनी चाहिए। और दूसरी बात, सरकार ने बीपीएल बनाना बंद कर दिया है, इसलिए बीपीएल की बात बिल्कुल मत करो, सेक्रेटरी के हाथ में नहीं है ना मेरे हाथ में, सरकार ने बंद कर दिया। और अब शिवराज सिंह जी के जाने का समय आ गया 18 में, अब इनको रवाना करो और नए सिरे से जो मुख्यमंत्री बनेगा वो बीपीएल कार्ड की व्यवस्था करके देगा आपको और उम्मीद है कि महाराज सिंधिया जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, जल्दी घोषणा इस बात को। 2 लाख रुपए से जब भी मैं आता था तो सारे लोग कहते थे कि भैया गांव के लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, ना तो बैठने की जगह है और ना बेचारों को पेशाब और शौचालय जाने की जरूरत है, तो 2 लाख रुपए मैंने अपनी विधायक निधि से स्वीकृत कराए, तो प्रतीक्षालय और शौचालय दोनों चीज़ें यहाँ पर बनेंगी जिससे आप सब लोगों को उसका राहत प्राप्त हो सकेगी। तीसरी बात, आपने कहा बीमा राशि, तो आपको मालूम है कि इस सरकार में स्थिति क्या है किसानों की, जहाँ नोटबंदी से बैंकों में पैसा नहीं मिल रहा, मंडियों में पैसा नहीं मिल रहा, किसान को उसकी मेहनत का उपज का मूल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, भावांतर योजना में किसान मारे मारे फिर रहे, खाद के लिए सुबह 3 बजे से लाइन लग रही है, मंडी में जाके देखो हजारों किसान खड़े हुए हैं, ये सरकार की स्थिति बन गई है। तो अब एक ही चीज़ है कि सरकार को हमको बदलना है, 15 वर्ष हमने खूब देख लिया, खूब समझ लिया और खूब आपके बातों में हम लोग आ गए, मगर अब 15 वर्ष के बाद अब किसान सुनने वाला नहीं है और 18 में निश्चित रूप से परिवर्तन की लहर मध्य प्रदेश में स्थापित होगी। तो आप सबको ये दोनों चीज़ों के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और बहुत बहुत आभार देना चाहता हूँ और
ग्राम पंचायत के माध्यम से ये दोनों कार्य होंगे। अच्छा कार्य करिए, गुणवत्ता के आधार पर कार्य करिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी इस बात को याद रखे कि हाँ, ये हमारे सरपंच साहब ने ये काम करा के हमको दिया। राधोगढ़ तहसील के आदर्श ग्राम भुलाई में पहुंचा युवा क्रांति रथ। युवा शक्ति को स्वस्थ, सबल, संस्कारवान, स्वावलंबी, सेवा भावी व राष्ट्रभक्त बनाने के लिए यह यात्रा द्वारकाधीश से चलकर नागपुर तक होगी, जिसमें युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। यात्रा रथ का रुठियाई में गायत्री परिवार के साथ बजरंग दल एवं अन्य धार्मिक संगठनों ने भी यात्रा का स्वागत किया। यह रथ यात्रा NFL विजयपुर से होते हुए आदर्श ग्राम भुलाई पहुंची, जिसके लिए ग्राम के युवाओं ने बाइक रैली के द्वारा 5 किलोमीटर दूर से ही यात्रा की अगवानी की एवं समस्त ग्राम वासियों के साथ साथ क्षेत्रीय ग्रामीण कबीलपुरा, सनोतिया, उदयपुरी, सकतपुर, धरनावदा, ककवासा और अन्य गांवों में भी रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। गौशाला में पहुंचकर ग्रामीणों को भ्रूण हत्या, स्वच्छता, वृक्षारोपण, दहेज उत्पीड़न, व्यसन मुक्ति एवं ग्राम को स्वच्छ बनाने के लिए एक फिल्म भी दिखाई गई। अरे तो गाड़ी लगा, हम का पैदल आएंगे। अरे नहीं मिल पाई मुझे मूर्ति, कभी नहीं मिल पाई यार। तुमने मेरी आंखों का काला पर्दा हटा दिया, अब मैं कोई जांच वाल नहीं करवाऊंगा। मेरे होने वाली संतान चाहे लड़का हो या लड़की, मैं उसकी हत्या नहीं कर सकता। दोनों को जीने का बराबर हक है, बराबर हक है। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। दलित सेवक समाज राधोगढ़ के द्वारा न्यू बस स्टैंड राधोगढ़ में श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हेड कांस्टेबल अरविंद कुमार सेन को मोमबत्ती एवं पुष्पांजलि समर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें दलित सेवक समाज के प्रदेश अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग IT सेल के प्रदेश संयोजक नरेंद्र बिलरवान मौजूद रहे। ऐसी भावना हमारे अंदर होना चाहिए, हम सभी के अंदर होना चाहिए। कहा भी गया है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूर्य हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ, तो ये देश हमारे लिए बहुत कुछ दे रहा है। हम देश के लिए कुछ दें, कुछ बलिदान करें। अरे तुम ना सोचो, अरे तुम ना समझो कि ये देश की स्वाधीनता यूं ही मिली है, इस बाघ की हर कली कुछ खून पी कर ही खिली है। यह स्वाधीनता, ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई है। यह आज़ादी पाने के लिए हमें खून की नदियां बहानी पड़ी हैं, और ये इतिहास, ये आज़ादी का पन्ना और ये स्याही से लिखने के लिए, इतिहास लिखने के लिए हमें खून की नदियां बहाना पड़ी है। और हमें सैनिक लड़ रहे हैं वहाँ सीमा पर, ठीक है लड़ रहे हैं, वो बाहर के दुश्मनों से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अंदर के दुश्मनों से लड़ें। हमें बाहर के दुश्मनों से कोई खतरा नहीं है। जितना अंदर के बैठे हुए सांपों से खतरा है, उन सफेलों से खतरा है, और वही सफेलों ने आज हमारे वीर सैनिक के साथ करके बताया है, उन सफेलों से हमें निपटना है। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट।
विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार के तत्वाधान में गायत्री शक्तिपीठ गुना आरोन में युवा क्रांति रथ भारत यात्रा का आगमन हुआ। युवा क्रांति रथ का उद्देश्य है कि युवा शक्ति को स्वस्थ, संबल, संस्कारवान, सेवाभावी, राष्ट्रभक्त बनाने के लिए इस संदर्भ में पूरे भारत में चारों दिशाओं में चार रथ यात्रा निकाली गई है, जिसमें एक रथ यात्रा द्वारकापुरी से चलकर आरोन पहुंची। बाल गंगाधर तिलक से लेकर राम, कृष्ण, बुद्ध जैसे अवतारी पुरुष भी इसी मानव जीवन के द्वारा ही श्रेष्ठ कार्य किए हैं। रामायण, गीता, वेद और उपनिषद के अनुसार 83,99,999 योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। डीजे आना न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।